मेरा नाम सीए कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम ऐसे 50 से ज़्यादा बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं जिसे हम बगैर दवाई के ठीक करते हैं, जैसे कि स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, सिज़ोफोनिया, ओसीडी, अल्जाइमर, पार्किंसन, एडीएसडी, ऑटिज़म, माइग्रेन, अर्थराइटिस। ये सब बीमारी को हम लोग बगैर दवाई के ठीक करते हैं। आज हम बात करेंगे ड्रग एडिक्ट के बारे में। ड्रग एडिक्ट के बारे में पहला क्वेश्चन आता है कि लोग ड्रग्स लेते क्यों हैं, जबकि मालूम है उनको, जो बच्चे ड्रग लेते हैं उनको मालूम है कि इससे हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है, हम जल्दी मर सकते हैं, फिर भी बच्चे ड्रग्स क्यों लेते हैं। बच्चे ड्रग्स लेते हैं क्योंकि उनको ड्रग्स लेने से कुछ फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि थोड़े टाइम के लिए उनको लाइफ में खुशी आती है, और इसका मतलब ही है कि ऐसी खुशी किसको चाहिए कि जो मालूम है कि आगे जाके ये बड़े दुख का कारण बनेगा। तो ऐसे लोगों को ऐसी खुशी चाहिए जो लाइफ में बड़े दुखी रहते हैं, जो लाइफ में बड़े सीरियस रहते हैं, जो लाइफ में फेलियर का एहसास करते हैं, जिसके लाइफ में बहुत ही सैडनेस है, बहुत ही रिजेक्शंस है, बहुत ही फेलियर का एहसास है, और एक अपने आप में यूजलेसनेस का भी एहसास है, हेल्पलेसनेस का भी एहसास है, ऐसे लोग ही ड्रग्स लेते हैं। अभी ये लोग इतने सीक्रेटिव रहते हैं कि पेरेंट्स को भी बहुत समय तक पता नहीं चलता है कि ये लोग ड्रग्स लेते हैं, बल्कि 50% ज़्यादा पेरेंट्स को तो तब मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चे ड्रग्स लेते हैं जब कोई पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है या बच्चे रात रात भर गायब हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद ड्रग्स लेता है, या उनकी जेब में कभी कोई पुड़िया मिल जाती है कि जो लगता है कि शायद ये ड्रग्स है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? ड्रग्स की हमेशा शुरुआत स्मोकिंग से होती है। पहले स्मोकिंग की लत लगनी ज़रूरी है, बच्चा स्मोकिंग में जाना ज़रूरी है, फिर कभी चरस में जाता है, कभी वीड में जाता है, अलग अलग सब्सटेंस करता है, और फिर आगे जाके कभी वो इंजेक्शन में भी जाता है, और बहुत से ऑप्शंस हैं ड्रग्स में जाने के। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं अगर बच्चे ड्रग्स में हैं? तो आज के दिन पेरेंट्स के पास एक ही ऑप्शन है कि अगर मालूम पड़ गया है बच्चा ड्रग्स में है और तो उसको रिहैब में डाल दो। ये सबसे गलत डिसीजन होता है पेरेंट्स का कि बच्चे को रिहैब में डाल देते हैं, और रिहैब में जो होता है बच्चे बहुत दुखी रहते हैं। रिहैब एक तरह का जेल होता है, जैसे जेल का एक्सपीरियंस होता है कि सब फ्रीडम चला जाता है और सब कुछ जेल के हिसाब से चलना पड़ता है, वैसे ही रिहैब में पेशेंट बड़ा हेल्पलेस फील करता है और ज़्यादा दुखी होता है, मगर क्योंकि वो हेल्पलेस लगता है तो वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, और बाहर निकल के थोड़े टाइम तो डरता है कि वापस रिहैब में डाल देंगे, इससे थोड़े दिन नहीं रहता है, मगर एक्सपीरियंस बताता है कि 3 से 6 महीने के अंदर जो जैसे पहले लेते थे ड्रग्स हो या अल्कोहल हो, वापस वैसे वैसे चालू हो जाते हैं ड्रग्स और अल्कोहल में। इसका मतलब है रिहैब एक सॉल्यूशन नहीं है ड्रग्स का। तो फिर ड्रग एडिक्ट का सॉल्यूशन क्या है? ड्रग एडिक्ट का रियल प्रॉब्लम है कि वो दुखी है, और वो किससे दुखी है? अपने घर वालों से दुखी है। तो जब घर वालों से दुख का कारण है, इसका मतलब है इसका शुरुआत ट्रीटमेंट होना चाहिए कि पूरे फैमिली कोई लाइफ कोच के पास में, कोई काउंसलर के पास जाना चाहिए, और उसको पहले फ्रीडम चॉइस दिया जाना चाहिए कि तुम्हारे दुख के कारण क्या, बताओ। जब वो लाइफ कोच से या काउंसलर से अपने दुख के बारे में डिस्कस करता है, और 90% चांसेस है कि उसके दुख उसके पेरेंट्स से ही है, 90% चांसेस है। अभी इसमें लड़कियों का रिजेक्शन भी रहता है, प्यार में फेलियर का कारण भी रहता है, बहुत से कारण रहते हैं, मगर मेजर कारण रहते हैं कि उसके पेरेंट के साथ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो कई ग्रजेस होल्ड कर रहा है पेरेंट के अगेंस्ट में, और क्योंकि वो खुल के बात करता नहीं है, और खुल के क्यों नहीं बात करता है? क्योंकि उसको लगता है बात करके फ़ायदा नहीं है, कुछ मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा नहीं, कोई मेरे को समझता नहीं है। तो पेरेंट्स को अगर मालूम पड़ता है कि मेरा बच्चा ड्रग्स में है, अगर डाउट भी है तो भी उसको काउंसलर के पास में, लाइफ कोच के पास जाना चाहिए, और पहले मौका देना चाहिए बच्चे को कि वो अपनी लाइफ शेयर करे कि वो क्या क्या लाइफ के चैलेंज से गुजर रहा है, और वहाँ से जब शुरू होती है तो इसका सॉल्यूशन जल्दी आता है। कभी कभी तो इसका सॉल्यूशन 10 घंटे की ट्रीटमेंट भी आता है कि बच्चा ड्रग्स छोड़ सकता है, अगर फर्स्ट स्टेज का अगर ड्रग एडिक्ट है तो, और अगर बहुत टाइम से अगर उसके अंदर है
तो इसका 2-3 महीने भी लगते हैं इनको ठीक करने के लिए। अब ये बच्चे लोग ज़्यादातर ड्रग्स खा लेते हैं, ये लोग या तो किसी का घर खाली होता है वो देखते हैं, या कोई आइसोलेटेड एरिया देखते हैं जहाँ पे पकड़े जाने का डर नहीं हो, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी का सिस्टम अच्छा नहीं हो। तो यू नो वैकेट फ्लैट मिलना एक ये लोग ढूंढते हैं, और दूसरा कोई आइसोलेट एरिया ढूंढते हैं। तीसरा, ये लोग रात को ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं क्योंकि इनको रात को नींद आती नहीं है, और इनके फ्रेंड्स इतने सिक्योरिटी रहते हैं कि कोई किसी के बारे में बताता नहीं है। अगर एक जन पकड़ा भी जाता है तो भी अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता नहीं है कि वो कितना ड्रग लेता है। ये ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम इतना सीरियस है और इतना रैपिडली बढ़ रहा है कि बॉम्बे सिटी में एक अंदाज है कि 30-35 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग एडिक्ट है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। ये ड्रग एडिक्ट ज़्यादातर यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है। 40 साल के ऊपर का आदमी कभी ड्रग्स में नहीं जाता है, और ये यंगस्टर्स की बीमारी है। ये बीमारी को ये स्टेज पे ठीक नहीं किया तो नेक्स्ट बीमारी है, ये मेंटल इलनेस में कन्वर्ट होती है ये, और ये सीरियस बात होती है। इसको ये स्टेज पे ठीक कर दिया जाए, और नहीं तो बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाती है। वो कोई जिम्मेदारी ले नहीं सकता है, और बदनाम भी हो जाता है, और चोरी की आदत भी लग जाती है उसको, क्योंकि ऐसी मजबूरी हो जाती है कि पैसा तो कैसे भी चाहिए ड्रग्स के लिए। अगर पेरेंट्स नहीं देते हैं तो झगड़ा भी करते हैं, और झगड़ा से भी नहीं मिले तो चोरी करते हैं, घर की चीज़ें बेचते हैं, और घर की पूरी लाइफ अशांत हो जाती है। क्या ये बीमारी ठीक होती है? 100% ये 100% ये एक तरह का मेंटल इलनेस है, और ये ठीक होता है मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 3 महीने में। हम ड्रग एडिक्ट को ठीक होने में सक्सेस होते हैं, और लाइफ लॉन्ग की गारंटी के साथ में कि लाइफ में कभी ड्रग नहीं लेगा। हमारे तो तरीका क्या रहता है कि हम बेसिकली ऐसे लोग अपने आप को बेसहारा मानते हैं, लाचार मानते हैं, हेल्पलेस मानते हैं, और हम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करते हैं, उसका सेल्फ एस्टीम अच्छा करते हैं, उसको जिम्मेदार कैसे बने ऐसी उसको ट्रेनिंग देते हैं, और वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, बल्कि ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। अभी क्या है, ये बच्चों को इतना मज़ा आता है ड्रग्स लेते हुए कि उनको तो इससे बाहर निकलना ही नहीं है। क्यों नहीं निकलना है? क्योंकि उनको थोड़े समय के लिए लगता है कि मेरे सब दुख चले गए और मैं एक अलग वर्ल्ड में आ गया, और जो दूसरे भी ड्रग एडिक्ट रहते हैं उनके साथ में उसको इतना अपनापन का फीलिंग आती है, ऐसा प्यार का एहसास होता है कि पूछो मत उसको, इसलिए वो सामने से कभी नहीं आएंगे इससे बाहर निकलने के लिए। इसका एडिक्शन 1 महीने में भी आ सकता है अगर आदमी रेगुलर लेवे ड्रग्स को, तो ये एडिक्शन 1 महीने में भी इसका ड्रग एडिक्शन हो सकता है। और ये लोग इतने सीक्रेट रहते हैं कि कभी एडमिट नहीं करेंगे कि हम लोग ड्रग्स लेते हैं। मेडिसिन का कोई रोल नहीं है ड्रग एडिक्ट को ठीक करने की है, बल्कि ये तो ऐसा हुआ कि मेडिसिन में भी आप देखो उधर मेडिसिन भी एक तरह की ड्रग ही है, तो आप अगर मेडिसिन देते हो ड्रग्स देते हो ड्रग को छुड़ाने के लिए, तो स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है ना। मेडिसिन देने की स्ट्रेटजी ठीक है ना, रिहैब में डालने की स्ट्रेटजी ठीक है। इनके साथ में फैमिली मेम्बर के साथ में कोई लाइफ कोच बैठे, कोई काउंसलर बैठे, और बातचीत ही इसका सॉल्यूशन है कि उसको कैसे बाहर निकाला जाए। ड्रग्स लेना इतना आसान नहीं है अनलेस कि आदमी का दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जावे, उसको मेंटल इलनेस बोल दो, मेंटल डिसऑर्डर बोल दो, कि जब तक आदमी इतना एक्सट्रीम में डिस्टर्ब नहीं होता है तब तक कोई भी आदमी ड्रग ले नहीं सकता। कि कुछ कुछ लोगों को वो दवाई का भी एडिक्शन हो जाता है कि हर बीमारी में उनको दवाई लगती है, बट ये परसेंटेज बहुत छोटा है, और ये 40 साल की उम्र के बाद में होता है। ये लोग ही बेसिकली डेपोक लोग रहते हैं, इनको भी मरने का डर लगता है कि दवाई खा लूँगा तो शायद बच जाऊँगा, बट वो परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं है ड्रग एडिक्ट का। ड्रग एडिक्ट अपने आप में इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे क्योंकि अपने आप में उनका दिमाग चलता है कि इससे मेरे को फ़ायदा क्या क्या हो रहा है, और कोई भी चीज़ से आपके दिमाग में अगर बैठ जावे कि ये लेने से मेरे को शांति मिलती है, मेरे को अच्छा फील होता है, तो क्यों छोड़ेगा कोई भी। और नुकसान होता है वो बहुत लंबे समय के बाद में होता है, उस समय नुकसान नहीं होता है। ड्रग एडिक्ट 100% क्योरेबल है मिनिमम 1 मंथ में, और अगर कोई बहुत ही सीरियस केस है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तो समझ लो 3 महीने में ये ड्रग एडिक्ट से छूट सकता है ड्रग्स। अभी ये रिसर्च किया गया है, जब लिया जाता है तो ब्रेन में 1 लाख से ज़्यादा सेल्स सेकेंड्स में डेड हो जाते हैं,
और इसलिए उसकी मेमोरी लॉस भी होती है और अल्जाइमर भी आता है, पार्किंसन भी आता है, ऐसी बहुत सी बीमारी आती है लॉन्ग रन में ड्रग एडिक्ट को। मगर ड्रग एडिक्ट को हम सुनते पाते हैं कि हम लोग ड्रग लेंगे तो हमको कैंसर की बीमारी नहीं होगी, ये सब गलत है। कैंसर का ड्रग का कोई एसोसिएशन नहीं है। मगर ड्रग एडिक्ट जस्टिफाई करते हैं कि हम ड्रग लेंगे तो हमको कैंसर नहीं होंगे। अगर कैंसर नहीं भी हुए तो दूसरी 50 बीमारी होगी। ड्रग एडिक्ट का पहला सिम्टम है कि ऐसे लोग बहुत लाइफ में सीरियस हो जाते हैं और बातचीत बंद कर देते हैं और दुखी रहते हैं। अगर आपको कोई भी आपके आजू बाजू में कोई भी दुखी चेहरा दिख रहा है, बातचीत कोई बच्चा कमती करता है, आइसोलेट रहना पसंद करता है, तो उस पर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए और जल्दी जल्दी उसको कांस्टेबल लेके आना चाहिए। अगर वो एडमिट नहीं भी करे कि मैं ड्रग लेता हूँ तो भी कांस्टेबल आना चाहिए कि भाई कुछ बिहेवियर अनयूजुअल है, ये सोसाइटी में लोगों से मिक्स होना नहीं चाहता है, अकेले रहना चाहता है, रात रात को गायब हो जाता है, किसी से बातचीत करना नहीं चाहता है, काम पे नहीं जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ऐसे कोई भी सिम्टम जो लगते हैं कि ये नॉर्मल बच्चे के सिम्टम नहीं है, तो सीधे आना चाहिए काउंसलर के पास में, लाइफ कोच के पास में, और डिस्कशन करना चाहिए। और हालांकि ये काउंसलर के पास आके भी जल्दी से एडमिट नहीं करेंगे कि हम लोग ड्रग लेते हैं, मगर काउंसलर उसके दुख से डील करेगा, उसका दुख कमती करेगा, तो अपने आप ही उसको ड्रग की इच्छा नहीं होगी। इतना आसान नहीं है ड्रग लेना, कोई भी आदमी लेके देखे क्या होता है पहली बार लेते हैं तो, यानी उसकी कितनी बड़ी मजबूरी रहती है, कितना हेल्पलेस फील करता है, कितना लाचार फील करता है कि ये लास्ट स्टेज में उसको लगता है मैं मर जाऊं चलेगा, मगर ये दुख सहन नहीं होता मेरे से। मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक का जो लोगों को रिहैब का सॉल्यूशन दिख रहा है वो सॉल्यूशन जरा भी नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये रिहैब चलाते कौन है, ये एक्स ड्रग एडिक्ट एक्स अल्कोहलिक रिहैब चलाते हैं, और इनका इतना डिसिप्लिन रहता है, इतना स्ट्रिक्टनेस रहता है कि उधर प्यार का एहसास तो होता ही नहीं है, उधर तो जेल का एहसास होता है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ना कि मेडिसिन सॉल्यूशन है इसका। इसका सॉल्यूशन है कि आप कोई लाइफ कोच के पास में जाओ, कोई काउंसलर के पास जाओ जो ऐसे प्रॉब्लम को समझता है, इनके दुख दर्द को समझता है, और इनका ट्रस्ट गेन करके इनको वो पावर का, जिम्मेदारी का एहसास दिलावे ताकि ये भी नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। थैंक यू। मेरा नाम कैलाश मंत्री है, मैं लाइफ कोच हूँ।